देवगढ़ पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 19 मोबाइल, 7 सिम कार्ड, 3 पासबुक, 7 एटीएम, 2 बाइक और भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीम का गठन किया गया था। मार्गो मुंडा कर्रो और पथडाक क्षेत्र से ये गिरफ्तारियां हुई है। तो बड़ी खबर से इस वक्त रूबरू करा रहे हैं आपको। देवघर में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं जो लगातार लोगों को अपना शिकार बनाते थे, ऑनलाइन ठगी किया करते थे, लेकिन पुलिस ने 2 टीम बनाया और इसके साथ 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ भी लगातार उनके साथियों के बारे में जानकारी ले जा रही है। इस वक्त 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार जाम तड़ा के साथ साथ देवघर में भी साइबर अपराधी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और इसी दौरान आप देखेंगे कि जामताड़ा के बाद देवघर से प्राय साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही थी। यहां पर पुलिस एक रणनीति के तहत इन्हें गिरफ्तार कर रही है और उनको उन्हीं के चंगुल में फंसा रही है। के द्वारा साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध में रात्रि भर छापामारी की गई है। यह छापामारी मारगांव मुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम गंगवाड़ी में, करौ थाना क्षेत्र के तुलसीटाण में और पथरड्डा ओपी थाना क्षेत्र के गोबरशाला में छापामारी की गई है। इस छापामारी में 8 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 19 मोबाइल, 32 सिम, 7 एटीएम, 3 पासबुक, 2 डोंगल, 2 बाइक और कैश 7,500 रुपया बरामद हुआ है। यह छापामारी 2 टीमों के द्वारा